हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि कम समय में हाई स्कोर आप लोग एग्जाम में कर पाएं? तो आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिन ट्रिक्स को अपनाकर आप लोग बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, जो आप लोगों ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी मैं बात बताने वाला हूं वो 100% सब प्रैक्टिकली बातें, कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है। चार पॉइंट्स बताऊंगा जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखेंगे। अगर आप पहले से लेकर लास्ट तक चारों पॉइंट्स को देखते हैं तो यकीन मानिए पेपर में आप लोग जो लिखेंगे और जो आप पढ़ाई करने वाले हैं वो धमाकेदार होने वाली है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर का है हमारा स्टार्ट विद वाई। देखिए, हम पढ़ाई करने के लिए बैठे तो हमारे दिमाग में पहले ये आना चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारा दिमाग पढ़ाई के लिए इतनी देर नहीं बैठेगा, जबकि गेम के लिए, मूवी के लिए, दोस्तों घूमने के लिए बहुत मतलब की टाइम है, लेकिन पढ़ाई हमसे नहीं हो पाती। तो पहले आप ये पूछिए खुद से कि आप पढ़ाई करना क्यों चाहते हैं, ठीक है? या आप ये पूछिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। पहले आपको ये पता करना जरूरी है कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, पढ़ने से होगा क्या, पहले आपको ये पता करना है। जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे भाई इसलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे आने वाले समय में नीट एग्जाम क्रैक करना है, मुझे आने वाले समय में जीमेंस निकालना है, मुझे आने वाले समय में कोई मतलब बढ़िया कोर्स करना है, या फिर मान लो मुझे घर वाले मुझे इतने दिन से पैसे दे रहे हैं, उन पैसों का मतलब वसूल करना है, घर वालों को दिखाना है कि उनका जो पैसा वो वेस्ट नहीं गया, या फिर हमको ये बताना है कि चार लोग हमसे पूछेंगे रिजल्ट जब आएगा, चार रिश्तेदार पूछेंगे, चार दोस्त पूछेंगे कि भाई रिजल्ट कैसा रहा, तो उनको क्या जवाब। तो इसलिए आप लोगों को पहले खुद से जवाब करना है कि हमें पढ़ाई करनी क्यों है। उससे बाद में आप लोगों को पता पड़ेगा कि जब आपको पता चलेगा हमें इसलिए पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए बैठोगे ना तो इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। पहला आपको ये मतलब मिशन क्लियर होना चाहिए कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का है फाइंड योर बेस्ट टाइम फॉर डीप वर्क। आप लोगों को बता दें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोपहर में अच्छे पढ़ पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नाइट में उनको पढ़ना बहुत पसंद है। ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा समय ऐसा है जिस समय आप अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ या फुल कंसंट्रेशन के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। सब लोगों का अलग अलग पसंद हो सकती है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा है तो किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नाइट में। तो आप खुद ऐसा देखिए कि ऐसा कौन सा समय है जब कभी भी आप लोगों ने पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो खुद फील किया होगा कि यह समय ऐसा है, इस समय आपने फुल फोकस के साथ पढ़ाई की है। तो उसी समय आप लोगों को सबसे अच्छा समय आपके लिए वही है पढ़ाई करने के लिए, उस समय आप स्टडी रेगुलर करते रहें टाइम टेबल के साथ, ठीक है। अगला है स्टार्टिंग को सिंपल रखो। कहने का सेंस ये है कि अगर आप पढ़ाई को स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या काम किया, सिंपल रखा, तो पढ़ाई में धीरे धीरे करके मन लगना स्टार्ट हो जाएगा और आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, फिर 2 घंटे ऐसे आराम से निकाल पाओगे। मतलब आप लोगों को स्टार्टिंग करनी है इजी से और इजी से हार्ड की तरफ लेकर जाना है। लेकिन अगर आप लोगों ने गलती से भी क्या काम किया, आप लोगों ने हार्ड चैप्टर लेकर बैठ गए या हार्ड टॉपिक लेकर बैठ गए और उसमें आपने दिमाग लगाया, वो आपके समय नहीं आया, आप क्या काम करो यार बेकार है, हमसे नहीं होगा, आप उसको पढ़ाई को अलग हटा दोगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। हमको क्या काम करना है, पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, धीरे धीरे क्या काम करना है, इसी चीजों को सीखते चलना है। आपको देखो सीधी सी बात है, जब आप लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज समय में आ जाएगी। और कोई कॉन्सेप्ट हमें समय में इसलिए नहीं आता, हार्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना वो हम उसे पढ़ते नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन पर ध्यान नहीं देते। जब आप लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होगी तो कोई चीज हार्ड रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीजें जो होती हैं अगर आप लोगों को पता है तो उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उसमें लगा हुआ होता है। डायरेक्ट आपने हर चीज को पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हिले डुले हैं, आप लोगों को समय नहीं आएगा, जब आपको समय नहीं आएगा तो पढ़ाई को आप छोड़ देंगे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। अगला है फॉलो, मतलब कि पढ़ाई का जो रूटीन है उसको बिगड़ने मत देना। अगला पॉइंट क्या है, पढ़ाई के रूटीन को बिगड़ने ना देना। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे फुल फोकस के साथ आप पढ़ रहे हैं, बीच में क्या आया, दोस्त का कॉल आ गया, तो आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। या फिर मान लीजिए आप फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, घर वालों ने काम बता दिया कि बेटा ये बाहर से काम कर लाना, हम पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, उस समय हमारा बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लग रहा है, लेकिन आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करने वाली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, जब पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं उस समय अपने पास 0% डिस्ट्रैक्शन रखें। जैसे टीवी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, शांत एकांत में बैठा होना चाहिए, मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के बंद होने चाहिए, घर वालों को बोल देना है कि मैं पढ़ने के लिए बैठा हुआ हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। कोई भी काम है पढ़ाई से पहले आप घर वालों से एक बार पूछ लो कि आपका कोई काम तो नहीं है, अगर आपका काम है तो भी बता दो, बाद में मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा, आप मुझे उस समय डिस्टर्ब मत करना। घर वाले भी मान जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाई की जरूरत है, आप लोगों को फुल फोकस के साथ पढ़ने की जरूरत है, तो वो भी मान जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को इस तरीके से इन चार पॉइंटों को अप्लाई कर आप देखेंगे कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को बता दें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है स्टडी की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।